नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। म्यूजियम एक ऐसी जगह जहां इतिहास, संस्कृति, विज्ञान को सहेज कर रखा जाता है, लेकिन आज एक बेहद खास म्यूजियम की बात करते हैं, बात द हैप्पीनेस म्यूजियम की। एक ऐसा म्यूजियम जिसका उद्देश्य लोगों को खुश करना है, साथ ही यहाँ आने वाले दर्शकों को प्रेरित करते हुए कुछ नया बताना भी। ये म्यूजियम खुला है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, वो भी कोरोना काल में। आइए जानते हैं खुशियाँ देने वाले इस म्यूजियम को। सबसे पहले बात इसे बनाने वालों की। कोपेनहेगन के हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। जिन लोगों का आइडिया है उनमें माइक वाइकिंग शामिल हैं। माइक हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। वो खुशी से जुड़ी 3 किताबें लिख चुके हैं, तीनों ही बेस्ट सेलर रही हैं। इनके नाम है द लिटिल बुक ऑफ लेगे, लेगे यानी हैप्पीनेस, द लिटिल बुक ऑफ युगे, युगे यानी फन, और द आर्ट ऑफ मेकिंग मेमोरीज। दुनिया में अपनी तरह का पहला म्यूजियम है। बात अगर इसके आकार प्रकार की करें तो 8 कमरों का ये म्यूजियम 2585 वर्ग फीट यानी कि 240 वर्ग मीटर में फैला है। CNN के मुताबिक अपनी तरह का ये दुनिया का पहला म्यूजियम है। इसे 18वीं शताब्दी में बनी एक ऐतिहासिक इमारत के बेसमेंट में बनाया गया है। मोनालिसा की मुस्कुराहट को अलग अलग एंगल से देखने की सुविधा। आइए अब इस म्यूजियम के अंदर चलते हैं। म्यूजियम का हर कमरा बेहद खास है। हर कमरे में आप खुशी के अलग अलग नजरियों से रूबरू होते हैं, साथ ही कुछ प्रयोगों से भी गुजरते हैं। जैसे एक कमरे के बीच में पैसों से भरा एक पर्स रखा है। यहाँ आने वालों से हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर रास्ते में पर्स खोने के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी बार ये पर्स वापस मिलता है। इसके एक सेक्शन में हैप्पीनेस के साइंस के बारे में बात की जाती है, तो एक में इसके 2000 साल के इतिहास के बारे में बताया जाता है। एक सेक्शन ऐसा है जहां हैप्पीनेस के फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। यहां तक कि एक सेक्शन सिर्फ मुस्कुराहट के लिए बना है। इनमें मोनालिसा की मुस्कुराहट को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाती है। एक कमरा ऐसा भी जहां लोगों की खुशियों के पल सहेज कर रखे गए हैं। म्यूजियम में एक कमरा ऐसा है जो दुनिया में खुशी के भूगोल को बताता है। इसमें 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रखा गया है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। स्वीडन दूसरे नंबर पर है। भूटान दुनिया में इकलौता देश है जो 1970 से GDP से ऊपर GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रैंक को करता है। इन सभी बातों का यहाँ जिक्र है। इसके साथ ही एक कमरा ऐसा भी है जहाँ दुनिया भर के लोगों को खुशी देने वाले पलों को सहेज कर रखा गया है। ये पल लोगों ने खुद इस म्यूजियम से साझा किए हैं। एक सेक्शन में हैप्पीनेस लैब भी बनी है जहाँ ये बताया जाता है कि हमारे दिमाग में अच्छी फीलिंग कैसे आती है, उम्र के साथ क्या इस फीलिंग में बदलाव होता है। चलते चलते आपको थोड़ा म्यूजियम के इतिहास से भी रूबरू करवा देते हैं। ये म्यूजियम इस साल मई में खुलने वाला था, कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो सका। माइक वाइकिंग और उनकी टीम के प्रयासों से इसे 14 जुलाई को लोगों के लिए पहली बार खोला गया। कोरोना को देखते हुए कड़े प्रोटोकॉल बनाए गए। एक बार में 50 से ज़्यादा गेस्ट को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पहले महीने में ही 600 से ज़्यादा लोग इस म्यूजियम में खुशी तलाशने पहुँचे हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।